जैसे कभी जाते हैं किसी जगह जाते हैं या चलते चलते रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार की ऐसी समस्या आती है जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी अंग के अंदर कोई चीज इम्प्लांट हो जाए या चुप जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं छटपटा के या जल्दी के चक्कर में हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन में जब हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या कहीं अंग को फिर से हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन ब्लड का होता है वो आर्टरी और वेंस के द्वारा होता है। जब आर्टरी वेंस का किसी भाग किसी उसमें कोई भी इम्पैक्ट आपके किसी भाग में कट गया या उसमें चुप गया तो जो सर्कुलेशन है वह तेजी से उसका निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हमने अगर इम्पेंट ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश किया तो उस कंडीशन में वो तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, एक पानी गिरा हुआ है और उसमें अचानक हम किसी तीर से मार रहे हैं, जब तक तीर या चाकू से मार रहे हैं उसमें बाहरी भाग से अंदर उसको चुप रहा है, जब तक वो अंदर रहेगा तो अंदर रहेगा तो उससे जिससे क्या होगी वह किलोमीटर पानी का कम निकलेगा या रिसाव होगा। उस बाहर खींचने के दौरान पानी का फ्लोमीटर बाहर निकलने लगता है। उसी प्रकार जैसे इम्पेंट कोई भी जैसे मान लीजिए चाकू है, चाकू अगर शरीर के अंदर घुसा, मान लीजिए जब तक घुसा हुआ है उस कंडीशन में जो सर्कुलेशन ब्लड के द्वारा हो रहा है, ब्लड से चल रहा है, वह सर्कुलेशन क्या करेंगे। चाकू जब चुभा हुआ है तो उसको हमें हॉस्पिटल जाने से पहले तक और वहाँ पहुँचने तक हमारी क्या कार्रवाई होगी। देखिए आप लोग मान लीजिए ऐसे ये कहीं से सड़क एक्सीडेंट में या सरिया घुस गई या चाकू घुस गया, उस कंडीशन में हम यहाँ पर कैसे इसकी कार्रवाई करेंगे। ले आइए, अब यहाँ पर चाकू घुसा हुआ है, अब हमारे दोस्त ये जो है ये डोनट है, इसको हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कोई भी आप रुमाल लिए या किसी भी प्रकार का सफेद कपड़ा लिए, उसको एक जितना मोटी अगर सरिया है तो उतना हम एक छोटे से व्यास में उसको घुमा के एक डोनट ऐसे देखिए इसी तरह बना लेंगे। इसको किस लिए बनाएंगे, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, किसी भी प्रकार का कपड़ा है उसको रोकने के लिए। देखिए हमने डोनट बनाया, अगर यह सरिया इधर नीचे की भी तरफ है तो इस प्रकार डोनट नीचे की तरफ भी लगा लेंगे, वह जो है किसी प्रकार का वह हिले या डूब न सके। अब इसको हमने डोनट यहाँ लगाया और धीरे धीरे यहाँ तक ये हिलना नहीं चाहिए, स्टेबलाइज किया और बकायदे अब यह जो है हम इस प्रकार से बैंडेज के द्वारा देखिए किस प्रकार से हम रोल लगाते हैं व्यक्ति को न हिलने डूलने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम रखते हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यकीन सोचता है कि जल्दी जल्दी ये सरिया निकल जाए, लेकिन कभी भी उसको निकालने की हम कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम उस टाइम निकाल देंगे तो व्यक्ति का आर्टरी और वेंस के माध्यम से शरीर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेजी से बढ़ेगा और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं यही आपको इस डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसी कार्रवाई हम न करें। अब देखिए आपका यह जो कहीं भी यह हिल डुल नहीं सकता और इसको हम आराम से हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। अब यह बिल्कुल चाहे सरिया हो, चाहे चाकू हो, चाहे कोई अन्य कोई भी इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट हो, उसको हम किस प्रकार से किस विधि से अब देखिए किसी भी प्रकार से हम इसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, यहीं पर बिल्कुल जहां ये चुभा हुआ है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब यह डॉक्टर जो है जैसे ही डॉक्टर इसको हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो अपने सर्जरी के माध्यम से अपने इक्विपमेंट के माध्यम से इसको सही ढंग से काट के निकालेगा और आर्टरी और वेंस का सर्कुलेशन को चालू करेगा। तो यहाँ तक के बताए गए किसी भी प्रकार में किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछ सकता है।